हेलो यूपीएससीएस पेरेंट्स, देखिए एक विद्यार्थी के द्वारा कमेंट बॉक्स में या कमेंट करके पूछा गया कि क्या जो सिविल सर्विसेज प्रिलिम्स एग्जामिनेशन के एग्जाम सेंटर होते हैं, परीक्षा केंद्र होते हैं, क्या वही सेंटर मेंस के लिए भी होगा। देखिए, क्योंकि आप अभी नए विद्यार्थी हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर या फिर आगामी जो 2023 के नोटिफिकेशन 1 फरवरी को आने वाला है, उसके नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में जो है कह सकते हो कि जरूर पढ़ें, क्या उसका अध्ययन करें, जिससे कि है आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन सेंटर और सीट अलॉटमेंट, ये सब सारी की सारी चीज़ें आपको जो है उस नोटिफिकेशन से मालूम चल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको मैं आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ देता हूँ। देखिए, अगर बात करूँ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की और मेंस एग्जामिनेशन की, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का अलग फॉर्म भरा जाता है, मेंस एग्जामिनेशन का अलग फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, पहली चीज, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का फॉर्म 1 फरवरी को रिलीज होने वाले हैं। इस फॉर्म को रिलीज होने के बाद आपको नंबर ऑफ ऑप्शन दिए जाएंगे, लगभग 70 से 75 ऐसे ऑप्शन रहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर का या सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का, परीक्षा केंद्र का, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही जो है कह सकते हो कि दिया जाता है ऑप्शन। मेंस से संबंधित कोई भी चीज़ें अभी नहीं भरी जाती अपार्ट फ्रॉम दी ऑप्शन और मीडियम, याद रखना ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यही अभी यही चूज करना होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जामिनेशन सेंटर ही आपको चूज करना होगा। 70 से 75 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं और हर एक राज्य में वो सीटें अवेलेबल होती है, क्योंकि प्रीलिम्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक होते हैं, इसलिए परीक्षा केंद्र भी अधिक बनाए जाते हैं। लगभग 70 से 75 ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, लेकिन मेंस आते आते तक जो नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ दे आर एलिजिबल टू अप्लाई इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस का एक अलग फॉर्म भरा जाता है, DAF1, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जामिनेशन से पूर्व अगस्त में आपको भरे जाएंगे। जैसे कि 2023 का अगर एनुअल कैलेंडर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस बार का 2023 का मेंस एग्जामिनेशन सितंबर में होगा, 15/9/2023 से प्रारंभ होंगे। तो कहने का मतलब है उससे पहले अगस्त में यह फॉर्म भरे जाएंगे, एक चीज़ तो क्लियर है। और अगर अगस्त में यह फॉर्म भरे जाएंगे तो उस वक्त आपको मेंस का सेंटर चूज करना होगा। ठीक है, तो दोनों का सेंटर अलग अलग होता है। फिर मेंस की अगर आप सेंटर की बात करूँ तो लगभग मात्र 24 से 25 सेंटर इसमें दिए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर का, और प्रीलिम्स का 70 से 75। तो दोनों सेंटर अलग अलग है। हाँ, एक बात मैं अवश्य कह देना चाहता हूँ कि आपका जो स्टेट है उसकी लगभग राजधानी या नियरेस्ट कोई बड़ा शहर हो, ठीक है, वहाँ आपको परीक्षा केंद्र मुख्य परीक्षा का मिल जाएगा, तो इसमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, यह बात स्पष्ट है कि दोनों परीक्षा केंद्र एक नहीं होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स में अधिक होते हैं, इसलिए परीक्षा केंद्र भी अधिक होता है, 70 से 75। मेंस में जो सिलेक्ट होते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट एकदम डिक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से परीक्षा केंद्र भी कम होते हैं और अलग भी होते हैं, एक ही परीक्षा केंद्र होगा यह जरूरी नहीं है। तो जो मेंस में आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज करेंगे वह प्रीलिम्स से टोटल अलग होगा। ठीक है, ये बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन सेंटर आप जो अभी चूज कर रहे हैं आराम से चूज कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 1st apply and 1st lot। जितनी जल्दी आप परीक्षा केंद्र का चयन करेंगे उस परीक्षा केंद्र में आपकी कह सकते हो ना कि आने का चांसेस अधिक होता है। कई बार होता है कि अगर आप लेट से फॉर्म भरते हैं तो परीक्षा केंद्र की सीटें, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, जैसे एक बकेट है, बकेट में पानी आप डालेंगे तो जितनी उसकी कैपेसिटी रहेगी उसके बाद वो ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे छत पर रखा हुआ टंकी फ्लो करता है, तो इन डेट कह सकते हो ना कि इसी सिचुएशन में आप हर सेंटर को अप्लाई कर सकते हैं, कि हर एक स्कूल की, हर एक यूनिवर्सिटी या सेंटर की कैपेसिटी होती है, सिटी की भी कैपेसिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को वह सिटी एडजस्ट कर सकता है। तो अधिक नंबर ऑफ कैंडिडेट होने के बाद वह फिर नियरेस्ट सिटी में आपको भेज दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं 1st apply और 1st allot। आप एग्जामिनेशन सेंटर को जितना जल्दी, मतलब आप फॉर्म भरेंगे और आप अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको सीटें
अलॉट कर दी जाएगी, और अगर भर दे मतलब भर जाता है तो फिर आपको नियरेस्ट सेंटर में कहीं भेजा जाता है। तो आज के लिए इतना है, एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्लीज द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड।